श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों आज की वीडियो में जानेंगे निर्जला एकादशी कब है, क्या पूजा विधि है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, निर्जला एकादशी के दिन किस चीज़ का दान बेहद शुभ माना जाता है, निर्जला एकादशी के दिन अगर पानी बहुत ज़्यादा प्यास लगी है तो किस तरह पीने से आपका व्रत नहीं टूटेगा, सभी चीज़ें इस वीडियो में बताएंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आगे वीडियो मिलती रहे। कमेंट में हर हर महादेव जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखिएगा। दोस्तों हिंदू धर्म में एकादशी का व्रत महत्वपूर्ण रखता है, क्योंकि 24 एकादशियां होती हैं। जब अधिक मास या मल मास आता है तब इनकी संख्या 26 हो जाती है। ज्येष्ठ मास की जो शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है उसे निर्जला एकादशी कहते हैं, और इस व्रत में पानी पीना वर्जित होता है। जैसे कि आपको इसके शब्द से ही पता लग रहा होगा कि निर्जल मतलब बिना जल के इस व्रत को करना पड़ता है। निर्जला एकादशी का व्रत बहुत ही कठिन माना जाता है, क्योंकि इस व्रत के नियम काफ़ी कठोर होते हैं। इस दिन जल ग्रहण करना वर्जित होता है, ऐसे में व्रती को पूरे दिन और पूरी रात बिना पानी ग्रहण किए रहना पड़ता है। अब आप सोचेंगे कि बहुत ही ज़्यादा जब कोई परेशानी है और आ गई है, पानी पीना ज़रूरी है और व्रत भी रख रखा है, तो कौन सी स्थिति है जो हम व्रत पी कर मतलब व्रत में पानी पी सकते हैं, वो बता देती हूँ। सबसे पहले कि किस तरह से आप पानी पी सकते हैं। यदि आपने व्रत रखा है निर्जला एकादशी का, वैसे तो पानी नहीं पीना चाहिए। अगर पीना पड़ जाता है तो आपको क्या है, पशु स्थिति होती है, पशु की तरह घुटनी नीचे टेक लीजिए और हाथ नीचे टेक लीजिए, एक थाली में जल रख लीजिए, उसमें थोड़ा सा गंगा जल डाल लीजिए और पशुवत स्थिति से अपने जीभ से या मुँह से आप लेट कर झुक कर पी सकते हैं। आप समझ गए होंगे कि किस तरह की पशु स्थिति होती है, जैसे पशु पीते हैं, ठीक है। इस तरह से व्रत आपका बिल्कुल भी खंडित नहीं होगा, इस तरह से पी सकते हैं। क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए निर्जला एकादशी के दिन अच्छी तरह से समझ लीजिए। इस दिन पीले वस्त्र पहनना बहुत ही शुभ माना जाता है, क्योंकि भगवान विष्णु को पीला रंग अति प्रिय है। पीले रंग के कपड़े पहनकर ही आप भगवान विष्णु की पूजा करें। इस दिन काले वस्त्र जो होते हैं या सफ़ेद वस्त्र भूल कर भी आपको नहीं पहनने हैं। ध्यान रखें कि सबसे ब्रह्म मुहूर्त में आपको उठना है, स्नान आदि करके सूर्य जी को जरूर जल अर्पित करना है। इसके बाद हाथ में जल लेकर व्रत का संकल्प आपको लेना है। निर्जला एकादशी के दिन घर में बिल्कुल भी मांस मदिरा लहसुन प्याज इन चीज़ों को नहीं बनाना है। घर का कोई भी सदस्य इन चीज़ों का सेवन ना करे, इस चीज़ का आपको विशेषकर ध्यान रखना है। निर्जला एकादशी का व्रत रखने जा रहे हैं तो एक दिन पहले ही पानी आपको भरपेट पीना है, खूब अच्छे से पानी का सेवन करना है, ताकि व्रत के दिन शरीर में पानी की कमी ना हो और अच्छे से व्रत आप कर सकें, ठीक है। एक दिन पहले आपको खूब अच्छे से पानी पीना है। निर्जला एकादशी के दिन दान के बारे में जान लेते हैं, जानेंगे और भी कि क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले दान के बारे में अगर मैंने कह दिया है तो दान के बारे में जान लें। निर्जला एकादशी के दिन जैसे कि आपको पता ही है, पानी का दान सबसे बेहद खास माना जाता है। अगर किसी को आप पानी नहीं पिला पा रहे हैं या पानी का दान नहीं कर पा रहे हैं, तो आप कहीं भी एक जैसे होता है, कहीं भी पेड़ आपको दिख रहा है जिसकी कोई रक्षा नहीं कर पा रहा है, बीच जैसे क्या होता है कि हम बीच रोड पर गए, वहाँ पर कोई हमें पेड़ दिख गया सूखा हुआ या बहुत ज़्यादा खुश्की इस टाइम जो चल रही है, तो आप एक बोतल रख लीजिए खाली, उस पेड़ में अगर पानी भी डाल देंगे निर्जला एकादशी पर, तो आपको बहुत ही ज़्यादा दान पुण्य का आपका हो जाएगा। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, घर में रहकर ही आप क्या कर सकते हैं, एक जल का घड़ा। मैं सबसे पहले बता चुकी हूँ पहले भी वीडियो में कि जो जल से भरा पात्र आपको जरूर दान करना चाहिए निर्जला एकादशी के दिन। जो मौसमी फल होते हैं पंखे पर रखकर उन्हें दान करें, दक्षिणा सहित इन चीज़ों को जरूर दान करना चाहिए और ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। और पानी का दान सबसे बेहद माना गया है, जैसे कि आप पशु पक्षियों को पानी पिला सकते हैं, अपने घर की छत पर रख सकते हैं, पूरे जेठ मास में रखना चाहिए आपको घर की छत पर, तो पशु पक्षियों को लो दाना जरूर डालें, इस दिन तो आपको जरूरी करना है। और अगर कोई स्वास्थ्य पर संबंधी परेशानी है तो आपको व्रत नहीं रखना है। जब व्रत खंडित हो जाता है वो भी सही नहीं होता है, तो आपको पहले से ही अपना देखना है कि स्वास्थ्य आपका सही है तभी आप व्रत रखें। निर्जला एकादशी पर बाल सेविंग आपको बिल्कुल भी नहीं कटवाने हैं और नाखून नहीं कटवाने हैं, ऐसा करने से दरिद्रता छा जाती है और माँ लक्ष्मी भी रूठ जाती हैं। काले वस्त्र जैसे मैंने पहले बताया वो नहीं पहनने हैं, साफ़ सुथरे वस्त्र पहनने हैं, ऐसे नहीं कि पहले पहने हुए आप वस्त्र पहन लें,
इससे भी आपको नुकसान होगा, तो इन चीज़ों से बचना है। इस काशी के दिन पोंछा भी आपको नहीं लगाना है, अच्छे से एक दिन पहले ही सफाई कर लें। अगर आप व्रत रख रही हैं तो किसी और से आप सफाई करा लें, इससे सूक्ष्म जीव मर जाते हैं, इससे पाप जो इकाशी में होता है वो आपको चढ़ता है, तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है। अब इकाशी कब है ये जान लेते हैं, सभी इकाशी बताऊँगी 2024 और 2025 की। सबसे पहले जान लेते हैं 2024 में इकाशी कब है। पंचांग के अनुसार दोस्तों ज्येष्ठ महीना शुक्ल पक्ष की इकाशी तिथि की शुरुआत जो हो रही है 17 जून को सुबह 4:43 से होगी और इस तिथि का समापन 18 जून को 6:24 पर होगा। ऐसे में निर्जला इकाशी का व्रत जो है 18 जून को किया जाएगा। 19 जून को आपको सुबह पारण करना है, बहुत ही योग अच्छा बन रहा है। और 2025 में जान लेते हैं अब दोस्तों, 2025 में 6 जून 2025 और शुक्रवार के दिन निर्जला इकाशी का व्रत रखा जाएगा। लेटेस्ट वीडियो आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं, सभी त्योहारों की वीडियो है मेरे चैनल पे, और लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए जिससे आगे वीडियो मिलती रहे। हर हर महादेव।